गश्ती पुलिस अब क्यूआर कोड स्कैन कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। यह व्यवस्था पहली बार बिहार के गया जिला के बोधगया में लागू किया गया है। नई प्रणाली के तहत बोधगया के होटल, बैंक, मंदिर और हॉटस्पॉट क्षेत्र में लगे क्यूआर कोड को स्कैन कर गश्ती पुलिस अपना उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद पुलिस अधिकारियों को यह पता चल सकेगा कि गश्ती पुलिस के द्वारा किस क्षेत्र में गश्ती की गई है और लापरवाही बरतने पर इसकी जानकारी अधिकारियों को मिल जाएगी। गया जिले में पेट्रोलिंग को बेहतर तरीके से सुनिश्चित करने के लिए उसके बेहतर एक मॉनिटरिंग की व्यवस्था बनाई गई है, जिसके माध्यम से जो भी महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट्स हैं अपराध के दृष्टिकोण से, विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से या सुरक्षा के दृष्टिकोण से, वहां पर ये क्यूआर कोड लगाए गए हैं। और अभी वर्तमान में बोधगया शहर में 46 स्थानों पर क्यूआर कोड लगाए गए हैं और सभी जो पेट्रोलिंग में जो पदाधिकारी और कर्मी रहेंगे उनके पास एक ऐप के माध्यम से उनको इस क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा उस जगह पे जाकर के, जिसके माध्यम से उनके लोकेशन की जानकारी हम लोग को मिल जाएगी और साथ ही साथ फोटो भी वो अपलोड कर सकते हैं जिस जगह पे वो पेट्रोलिंग करने गए हैं। इसके माध्यम से उनकी बेहतर मॉनिटरिंग हो सकेगी और रियल टाइम में जो भी उसका रिपोर्ट्स है वो भी जनरेट हो पाएगा और इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति इस पेट्रोलिंग अच्छे तरीके से कर रहा है कि नहीं ये पता चल सकेगा और बेहतर पेट्रोलिंग हम लोग सुनिश्चित कर सकेंगे। इसको वर्तमान में हम लोग सभी जो बोधगया शहर में महत्वपूर्ण मंदिर, बैंक्स, होटल्स, बस स्टैंड इत्यादि में इसको लगाए हैं और ये बिहार राज्य में पहली बार इस सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करके एक बेहतर व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। बोधगया शहर के बाद हम लोग इसको गया शहर में लागू करेंगे और धीरे धीरे गया जिले के सभी जो महत्वपूर्ण जो मार्केट प्लेसेस है वहां पे इसको लागू किया जाएगा। बोधगया में नई प्रणाली के तहत क्यूआर कोड आधारित ई बिट सिस्टम को अपनाया गया है। शुक्रवार को गया एसएसपी आशीष भारती ने इस नई प्रणाली का शुभारंभ किया है और बोधगया के विभिन्न होटल, मंदिर, बैंक, हॉटस्पॉट और भीड़ भाड़ वाले इलाके में क्यूआर कोड लगाए गए हैं। कहा जा रहा है आने वाले दिनों में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में भी इस प्रणाली को लागू किया जाएगा ताकि गश्ती करने वाले पुलिस टीम अपनी ड्यूटी से लापरवाही न बरते और इसकी जिम्मेदारी विभिन्न थाना के प्रभारी अधिकारी को दी जाएगी और गश्ती दल का डाटा मेंटेन रखना होगा। गया से न्यूज 18 के लिए कुंदन कुमार।